हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम साजिद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल लर्न स्पोकन इंग्लिश। गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूज ऑफ हैड। सो लेट गेट स्टार्टेड इट। गाइस, आपने पिछले वीडियो में यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ड टू हैव का प्रेजेंट में पढ़े थे और इस वीडियो में पास्ट टेंस में प्रयोग पढ़ेंगे, यानी यूज ऑफ हैड। गाइस, इसमें भी तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ा था। तीनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग बनेगा, आई हैड टू गो। गाइस, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लें। गाइस, इसे बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। जैसे उसे झूठ बोलना पड़ा था, ही हैड टू टेल अ लाई, ही हैड टू टेल अ लाई। रोहन को भीख मांगनी पड़ी, रोहन हैड टू बेग, रोहन हैड टू बेग। हम लोगों को मैच खेलना था, वी हैड टू प्ले क्रिकेट, वी हैड टू प्ले क्रिकेट। गांधी जी को उपवास करना पड़ा, गांधी जी हैड टू फास्ट, गांधी जी हैड टू फास्ट। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। उसे नहीं दौड़ना पड़ा, ही हैड नॉट टू रन, ही हैड नॉट टू रन। मुझे नहीं लड़ना पड़ा, आई हैड नॉट टू फाइट, आई हैड नॉट टू फाइट। उसे अंग्रेजी में नहीं बात करना था, ही हैड नॉट टू टॉक इन इंग्लिश, ही हैड नॉट टू टॉक इन इंग्लिश। उन लोगों को त्यागपत्र नहीं देना पड़ा, दे हैड नॉट टू रिजाइन, दे हैड नॉट टू रिजाइन। हमें कल पटना नहीं जाना पड़ा था, वी हैड नॉट टू गो टू पटना यस्टरडे, वी हैड नॉट टू गो टू पटना यस्टरडे। तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ा था, You had not to teach, you had not to teach. Now yes no type interrogative affirmative sentences. क्या आपको कोई प्रश्न पूछना था, had you asked any question, had you asked any question. क्या उसे कुछ काम करना पड़ा था, had he to work something, had he to work something. क्या रोहन को भीख मांगनी पड़ी थी, had Rohan to beg, had Rohan to beg. क्या सीता को उससे झगड़ा करना पड़ा था, हैड सीता टू क्वारल हर, हैड सीता टू क्वारल हर। क्या उन लोगों को यह घर छोड़ना पड़ा, हैड दे टू लीव दिस हाउस, हैड दे टू लीव दिस हाउस। क्या उसे कपड़ा धोना पड़ा था, हैड सी टू वॉश क्लोथ्स, हैड सी टू वॉश क्लोथ्स। नाउ निगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देना पड़ा था, हैड यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, हैड यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। क्या उसे कुछ नहीं करना पड़ा, हैड ही टू डू नथिंग, हैड ही टू डू नथिंग। क्या आपके भाई को अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना पड़ा था, हैड योर ब्रदर नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, हैड योर ब्रदर नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। क्या नौकर को घर साफ नहीं करना था, हैड द सर्वेंट नॉट टू क्लीन द हाउस, हैड द सर्वेंट नॉट टू क्लीन द हाउस। नाउ डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तुम्हें क्यों इसे करना पड़ा था, व्हाई हैड यू टू डू इट, व्हाई हैड यू टू डू इट। उसे कब मुंबई जाना था, व्हेन हैड ही टू गो टू मुंबई, व्हेन हैड ही टू गो टू मुंबई। मीना को कहाँ नौकरी करनी पड़ी, वेयर हैड मीना टू डू द जॉब, वेयर हैड मीना टू डू द जॉब। अध्यापक को क्या पढ़ाना पड़ा था, वॉट हैड द टीचर टू टीच, वॉट हैड द टीचर टू टीच। नॉन नेगेटिव सेंटेंसेस। उसे क्यों इसका उल्लेख नहीं करना पड़ा था, वाई हैड ही नॉट टू मेंशन इट, Why had he not to mention it? उन लोगों को कैसे वहां नहीं ठहरना पड़ा था, How had they not stay there? How had they not stay there? रोहन को क्यों नहीं घूस देना पड़ा था, Why had Rohan not to bribe? Why had Rohan not to bribe? डाकिया को कब पत्र नहीं देना पड़ा, When had the postman not to give letter? When had the postman not to give letter?
Thanks for watching this video guys. Like, share, comment and subscribe channel as well. Now I will meet in next video again. So far then now.